वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप देखने वाले। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक की बात की जाए तो आज आप देख सकते 153.65 पे क्लोजिंग दिया। इंडिया बुल हाउसिंग में तकरीबन 3.25 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि तकरीबन देखा 2% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिले आज के दिन में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में। जैसे कि देखा जाए तो आज गैप अप से ऊपर ओपन हो तो ओपन होते हुए 160 लेवल पे ब्रेक की थी, पर ऊपर 160 टू 161 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगने की वजह से गिरावट देखने को मिली। फिर दोपहर तक प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही सपोर्ट लेके ट्रेडिंग करा जाता था। जैसे प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और प्रीवियस क्लोजिंग रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था और डे एंडिंग में और भी गिरावट देखने को मिली थी। तकरीबन ओपन हुआ था 158 पे और हाई बनाया था 160.90 का और लो है आज का 153 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो तकरीबन 7.25,000 करोड़ का है। पी रेशो है 5.99 का और डिविडेंड यील्ड है 5.86 का। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीबन 1.25% की गिरावट देखने को मिली है और 1 मंथ में तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते 4% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में। तो यहाँ पे चार्ट एनालिसिस पे भी नज़र डाली तो यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पे आप देख सकते कि जो यहाँ पे सपोर्ट था 155 को फिर से उसको ब्रेक किया है। आज के दिन में वो मंथली प्यू जो है 153 के करीब है वहाँ तक आ चुका था। पर रिसेंटली यहाँ पे देखा जाए तो मंडे से यहाँ पे आप देख सकते कि नया महीना चालू होगा तो यहाँ पे मंथली प्यू लेवल भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टॉक में मूवमेंट भी चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे मूवमेंट भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली यहाँ पे क्लोजिंग डे 150 के ऊपर, तो अगले महीने आता है तो प्यूट लेवल फिर से नीचे आती है, सपोर्ट नीचे आता है तो बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के लिए।